हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम मन्नत एंड यू आर वाचिंग मन्नत स्टाइल। सो मैं जा रही हूँ गोवा एंड वो भी विस्टाडोम में। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय विस्टाडोम एक्सपीरियंस, सो स्टे ट्यून्ड। तो हमारी जो ट्रेन थी वो थी मॉर्निंग की 6 o'clock थाने से, एंड हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे चलने के लिए, एंड हमें थोड़ा सा आराम भी करना था क्योंकि हम सुबह से 4 बजे से उठे हुए थे। तो हम जैसे ही हमारे कोच में पहुँचे विस्टाडोम में, तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए क्योंकि कोच काफ़ी ज़्यादा सुंदर एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सा दिख रहा था। एंड अंदर पहुँचते ही हमें पता चला कि ये हमारा कोच तो है ही नहीं। इतना पता था कि विस्टाडोम की अभी तक सिर्फ एक ही कोच बना हुआ है जो कि एंड में रहता है, बट अभी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है विस्टाडोम की कि अभी 2 कोच कर दिए हैं। एक होता है सबसे फर्स्ट में इंजन के पहले, एंड एक होता है लास्ट में। तो हमें पता चला कि हम लास्ट में चढ़ गए हैं। हेलो रशिका दी गई। एंड जैसे ही पनवेल पे स्टॉप आ गया तो हम कोच से निकल के डायरेक्ट एसी कोच में आ गए, क्योंकि ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकने वाली थी, तो इतना पॉसिबल नहीं था कि हम लास्ट कोच से लेकर फर्स्ट कोच तक जा पाए, तब तक ट्रेन निकल जाती थी। तो जो एसी का कोच था वहाँ से लेके सारे जो जितने कोच थे विस्टाडोम से एक पहले, तो सारे कनेक्टिंग थे, तो इसलिए हम वहाँ तक पूरा चल कर गए हैं। एंड उसके बाद भी ट्रेन का जो दूसरा स्टॉप था वो सीधा 10 बजे का था। कौन सा स्टेशन था वो? कुछ तो ऐसा कुछ नाम था उसका, तो वो 10 बजे तक था, तो इसलिए हमें वहीं पर ही बैठना पड़ा जो लास्ट कोच था उनका। तो हम विस्टाडोम के कोच से निकल कर 10 बजे तक हम नॉर्मल एसी वाले कोच में बैठे थे, बट वो वाला भी बिल्कुल बुरा नहीं था, काफ़ी अच्छा ही था, बस थोड़ा कंजस्टेड जैसा था, बाकी सब कुछ सिमिलर था। उसमें भी ब्रेकफास्ट वगैरह सब इंक्लूडेड था, हमारी जो विस्टाडोम की टिकट थी उसमें भी सब लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ इंक्लूडेड था। बस फ़र्क ये था कि इसमें ऑप्शन थोड़े कम थे, विस्टाडोम में ऑप्शन थोड़े ज़्यादा है। तो हमने वहाँ पर बताया कि हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो अभी वो क्या करेंगे क्योंकि विस्टाडोम में ब्रेकफास्ट का वक्त हो चुका था एंड हमारा ब्रेकफास्ट हुआ नहीं था, वो स्किप हो गया था, तो उन्होंने हमें वहीं पर ही ब्रेकफास्ट दे दिया। वैसे तो पहले मान नहीं रहे थे देने के लिए क्योंकि जितने पैसेंजर्स होते हैं उन्हें से उतना ही अलाउड रहता है देने के लिए। तो विस्टाडोम में तो हमें चाय मिली नहीं, बट एसी कोच में हमें चाय कुछ इस तरह से मिली थी, खुद बनाओ और खुद पियो। एंड विस्टाडोम में चाय आपको स्टाफ खुद से कप एंड सॉसर में अच्छे से बनाकर दे रहे थे, सेम वही चाय थी, बट यहाँ पर हमारा लिस्ट में नाम नहीं था तो इसलिए हमें यहाँ पर मिली नहीं। और उसके कुछ देर बाद इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कर दिया था। वैसे विस्टाडोम में आपको ब्रेड बटर जैम ऑमलेट उपमा पोहा ये सब मिलेगा, यहाँ पर हमें उपमा मफिन्स वेजिटेबल सैंडविच और जो आप एक्स्ट्रा डब्बा देख रहे हैं उसमें भी उपमा ही था जो कि मैंने माही के लिए एक्स्ट्रा लिया था। साथ में आपको बिस्किट सॉस और स्पून दिया जाएगा, एंड ये जो भी सारा मिला हमें मिला हुआ था वो काफ़ी फ्रेश और गर्मा गर्म था और काफ़ी टेस्टी भी था। तो 8 बजे के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप आया था वो था सीधा 10 बजे, और अब हम फाइनली हमारे कोच में जाएंगे। आप जो ये आगे कोच देख रहे हैं वो विस्टाडोम है जिसकी यहाँ से कनेक्टिंग लाइन नहीं है, बट आधी जर्नी तो हमारी नॉर्मल कोच में ही निकल गई है। एडवेंचर था कुछ ऐसा, अच्छा लगा, मज़ा भी, भागम दौड़ वाली हुई है। हाँ आज कुछ तूफानी करते हैं। जब हम हमारे विस्टाडोम कोच में आए तो ये वाला कोच तो काफ़ी अच्छा है, बट दोनों विस्टाडोम कोच में एक फ़र्क है जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। लास्ट कोच में आपको पूरा एक पीछे एक ओपन गैलरी दिख जाएगा जिसमें आप सारा व्यू अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आपकी हो सकती है। बट जो फर्स्ट कोच होगा उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं देखने मिल सकता है, बस आपको नॉर्मल सा जैसा विस्टाडोम है वैसा ही सब देखने मिलेगा। फर्स्ट में आपको बस इंजन देखने मिल सकता है नॉर्मल सी, बट जो पीछे था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मैंने देखा वहाँ पर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड वहाँ पे जो लोग थे वो भी कह रहे थे कि आगे चल के थोड़े घाट वगैरह भी आएंगे, माउंटेन्स आएंगे, तो उसका व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड काफ़ी लोग वहाँ पे देखने भी रुकते हैं। तो ये हमारी मिस्टेक हो गई इसमें बुकिंग करने में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विस्टाडोम आ रहे हैं, अगर आप बुकिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो E1 है वो E1 होगा लास्ट वाला डब्बा, एंड जो E2 है वो रहेगा फ्रंट वाला डब्बा कोच। सो ये देखकर आप जरूर पहले बुकिंग कर लीजिए। आपको कुछ कहना है? आज मेरी बहन भी मेरे साथ ब्लॉगिंग में, वैसे कभी आती तो नहीं है, और इसने बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी की है क्योंकि मेरे हाथ में माही थी तो ये मेरे बैग्स लेकर भाग रही थी। काश मैं उस टाइम शूट कर पाती। तो चलिए अब मैं आपको विस्टाडोम का पूरा इनसाइड व्यू दिखा देती हूँ। Thank you.
ही हमारे विस्टाडोम कोच में पहुँचे हैं, तो हमें आने से ही मिला है ये बनाना ब्रेकफास्ट, जो कि हम ऑलरेडी वहाँ पर करके आए हैं, बट यहाँ पर आके हमें ऑमलेट वगैरह मिले हैं, पानी की बॉटल मिली है, एंड न्यूज़पेपर यहाँ पे पड़े हुए हैं, एंड ये जूसेस वगैरह मिले हैं हमें, मैंगो ड्रिंक, एंड ऑमलेट भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर आपको जो भी फूड दिया जाएगा वो काफ़ी फ्रेश और गर्मा गर्म रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये घंटों से पैक्ड पड़े होंगे और आपको बाद में दिया जाएगा। यहाँ की मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यहाँ पर आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने को मिलता ही रहेगा, तो आप यहाँ पर भूखे नहीं बैठ पाओगे। ब्रेकफास्ट होने के बाद हमें यहाँ पर मिला था मंचाओ सूप, और मंचाओ सूप के कुछ देर बाद ही हमें मिला था यहाँ पर दही, जो कि काफ़ी फ्रेश और क्रीमी थी। उसके बाद हो चुका था लंच का टाइम, तो लंच में हमने वेज एंड नॉन वेज थाली करवाई थी, जो कि आपको बुकिंग के टाइम ही करवानी पड़ती है, कितनी आप वेज लेने वाले हो एंड कितनी नॉन वेज, एंड नॉन वेज प्लेट्स का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, वो भी टिकट में ही इंक्लूडेड है। तो वेज और नॉन वेज में बस इतना ही फ़र्क है कि नॉन वेज में एक भाजी आपको चिकन की मिलेगी, एंड वेज में एक भाजी आपको पनीर की मिलेगी, बाकी सब कुछ सेम है। तो थाली में आपको आएगा दाल चावल आलू की सब्जी सीरा और एक वेज नॉन वेज की सब्जी, साथ में ही अचार। सो स्टेशन से निकलते ही हमने टैक्सी ली थी हमारे होटल तक, एंड होटल हमारा कैलिंगढ़ बीच के नियर बाई था, तो हमें ऑलमोस्ट 1 आवर लग गया था होटल पहुंचते पहुंचते। उसके बाद हम जैसे ही होटल पहुंचे तो हमें एक रिफ्रेशिंग सा वेलकम ड्रिंक भी दिया गया था, इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जूस क्या है? जूस अच्छा मम्मा को दो। सो चेक इन करते ही सबसे पहले तो हम लोग ने कुछ घंटे रेस्ट कर लिया, और उसके बाद हमें पता चला कि ऊपर रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल है, तो हम लोग सबसे पहले वहीं पर ही चले गए क्योंकि आधा दिन तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, एंड अब कहीं हमें जाना है नहीं, सीधा हम नाइट में ही निकलेंगे, तो उसके बाद हमें फिर कभी टाइम मिले ना मिले यहाँ पर पूल में आने का, तो हमने सोचा कि हम आज ही यहाँ पर चले जाते हैं क्योंकि कल से तो हमने बस गोवा ही घूमना है। यहाँ पर आने के लिए मैं और मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, हमने सोचा था कि हम जाते ही सीधा पूल में जंप करेंगे, बट यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था तो हमने सोचा कि हम ऊपर ही बैठेंगे, मैगी खाएंगे और चिल करेंगे। इवन मेरी डॉटर तक पानी में चली गई थी, उसे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि वो आने के लिए ही मना कर रही थी। नहीं चलो हो गया, आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ, मज़ा आ रहा है। हाँ तो पूल में एंजॉय करने के बाद हम चले गए थे स्कूटी रेंट करने के लिए, जिसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। उसके बाद हम निकल पड़े हमारी नियर बाय बीच, जो कि थी कैलिंगढ़ बीच, एंड हमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। यहाँ पर काफ़ी सारे पब्स एंड डिस्को थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे, तो हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, एंड यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी, तो मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा था कि मैं अपनी जगह से उठकर कुछ व्लॉगिंग वगैरह करूँ, तो डिनर भी हमने यहीं पर ही कर लिया था। सो ये हो गया आज के दिन का। अब मैं आती हूँ विस्टाडोम के एक्सपीरियंस पे। तो विस्टाडोम का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, वहाँ का फूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, इवन सारा जो भी फैसिलिटी था, जो भी स्टाफ था, सर्विस थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। एंड अगर बात की जाए टिकट प्राइसेस की, तो ये आपको अंडर 3000 रुपीज़ पड़ सकती है, ये काफ़ी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो मेक श्योर कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बुकिंग कर लीजिए। आप बुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं IRCTC की वेबसाइट और मेक माई ट्रिप ऐप। सो डैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फन और एंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी रहेगी। टिल देन मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि गोवा पार्ट 2 होने वाला है, जिसे मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। सो अभी के लिए बाय बाय।